इसके बारे में कुछ बताऊंगा। तो आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो हमको जानना पड़ेगा पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या है। सो जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्राई मीन्स थ्री, गोल मीन्स साइज, एंड मेट्री मतलब क्या है, मेजरमेंट। थ्री साइज को लेकर मेजरमेंट हमको करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में। जो कि थ्री साइज मतलब क्या है, थ्री साइज का है जो कि थ्री साइज है जो कि ट्रायंगल में है। और हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो ये हो गया आपको आपका ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री हम कहां से यूज करेंगे, तो मैं बोल दूं ट्रिग्नोमेट्री वहां से यूज करें जहां पर हाइट या डिस्टेंस का बात आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जहां पर हाइट या डिस्टेंस का बात आएगा, मतलब हाइट या डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे, तो उसको हम क्या, तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। सो हाइट और डिस्टेंस मतलब क्या क्या है, जैसे कि बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, ये सब सारे मेजरमेंट करने में ट्रिग्नोमेट्री का काम आएगा। सो थ्री साइड मतलब हमको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल में एक है राइट एंगल और जो नीचे वाला है उसको हम बेस बोलते हैं, जो ऊपर है जो उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, राइट एंगल को सामने राइट एंगल के सामने साइड को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो तो ये जो अगर ये 90 डिग्री हो गए तो बाकी जो दोनों एंगल रह गया वो उसको क्या बोलते हैं हम, वो दोनों क्या होगा, वो एक्यूट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा। तो ये बात तो हम देखेंगे, हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री में है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, सिक्स फंक्शंस है। सिक्स फंक्शंस मतलब सिक्स रेशियो से। जैसे कि अगर हम इसको को थीटा लेंगे या फिर हम यहां से देखेंगे, समझ में आ रहे कि नहीं, हम अगर यहां से देखेंगे तो वहां से कितना एंगल क्रिएट करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि ये सिक्स फंक्शन में डिपेंड करेगा। जैसे कि सिक्स फंक्शंस क्या क्या है, जो कि है साइन, उसको हम शॉर्टकट में साइन लिखते हैं, उसका वैल्यू क्या है मतलब उसका रेशियो क्या है कि साइन का रेशियो होगा। वहां से हम देखेंगे तो वहां से हमारा सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूस का रेशियो को हम क्या बोलते हैं, साइन फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आया साइन का को फंक्शन, जैसे कि कोसाइन, इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, कॉस। उसका रेशियो क्या होगा, जो कि एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड मतलब बी बाय हेड्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? देन नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा, टेंजेंट। टेंजेंट को हम शॉर्टकट में टेन लिखते हैं, जो कि टेन का रेशियो क्या होगा, अपोजिट साइड से एडजेसेंट साइड का। समझ में आ रहा है कि नहीं, अपोजिट साइड से एडजेसेंट साइड का। तो उसका रेशियो हम एक, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एच को डिवाइड कर देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर हम न्यूमरेटर को एच से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी एच से डिवाइड कर देंगे, तो ये वो क्या हो गया, जो कि बी बाई एच है वो साइन का हो गया और बी बाई एच जो वो कॉस का हो गया। मतलब टेन का रेशियो और किसके साथ मिल रहा है कि साइन और कॉस का रेशियो के साथ भी टेन का रेशियो मिल रहा है। मतलब जब अगर हम टेन को साइन बाय कॉस के जरिए भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नेक्स्ट क्या होगा, टेन का को फंक्शन जो कि कोटेंजेंट, इसको हम शॉर्टकट में कॉट लिख रहे हैं। तो देयरफॉर वो कॉट क्या होगा, कॉट का रेशियो क्या होगा कि एडजेसेंट साइड से ऑपोजिट साइड का रेशियो। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑपोजिट साइड से एडजेसेंट साइड का मतलब बी बाई पी। इसको हम अगर इसके जरिए लिखेंगे तो न्यूमरेटर को हेस और डिनोमिनेटर को हेस को हेस से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आएगा, कॉस बाय साइन का रेशियो आ जाएगा। मतलब टेन का वैल्यू साइन बाय कॉस के साथ इक्वल हो रहा है और कॉट का वैल्यू कॉस बाय साइन के साथ इक्वल हो रहा है। नेक्स्ट फंक्शन आ गया सेकंड, सेकंड मतलब शॉर्टकट में सेक। उसका रेशियो क्या होगा कि उसका रेशियो होगा हाइपोटेन्यूस से एडजेसेंट साइड, मतलब बेस का, हाइपोटेन्यूस से
एडजेसेंट साइड को। तो अगर हम देख रहे हैं कि sec का रेशियो होगा आता है h / b और cos का रेशियो क्या है v / h, तो इससे हमको क्या मिलता है कि sec हो जाता है 1 / cos, मतलब cos का रेसिप्रोकल sec के साथ इक्वल हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे अगर उसको उल्टे में बोलेंगे तो sec का वैल्यू, cos का वैल्यू क्या होगा कि 1 / sec। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देन नेक्स्ट फंक्शन sec का, सेकंड का नेक्स्ट को फंक्शन क्या होगा? सेकंड का को फंक्शन होगा cosec। समझ में आ रहा है? तो इसको हम सबप्लॉट में क्या लिखते हैं? cosec, जो उसका क्या रेशियो होगा, उसका रेशियो होगा हाइपोटेन्यूस से ऑपोजिट साइड का, मतलब h by p। सो उसका वैल्यू क्या होगा, वो किसके साथ इक्वल होगा? वो होगा h by p, जहां पर साइन का रेसिप्रोकल है, तो वो भी साइन का रेसिप्रोकल होगा। और उसको उल्टे में बोलेंगे तो साइन क्या होगा, साइन होगा 1 / cosec, मतलब cosec का रेसिप्रोकल होगा। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक एसिस फंक्शन के बारे में हमको पता चल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया। तो देन देखेंगे कि हम वो जो थीटा होगा, वो थीटा का वैल्यू वो साइड को रेशियो से कैसे इक्वल होगा, मतलब उसको उसके साथ क्या रिलेशन होगा, तो वो हम टेबल के जरिए देखेंगे। सो हम देख रहे हैं, सो एंगल को हम क्या थीटा के रूप में लिख रहे हैं, और सारे जो एक्यूट एंगल है, सम एक्यूट एंगल्स को सम आइडेंटिकल एंगल में डिवाइड कर दिए हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा का वैल्यू 0 होगा तो साइन का रेशियो क्या होगा कि साइन का रेशियो 0 आएगा। कैसे? जैसे कि हमको पता है वो तो ऑलरेडी बेस है, अगर ये 0 डिग्री फॉर्म करेगा मतलब वो जो हाइपोटेन्यूस होगा वो बेस के साथ जुड़ जाएगा, तो मतलब वहाँ से परपेंडिकुलर का डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर का डिस्टेंस 0 होगा, तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे तरह अगर 30 होगा तो उनका रेशियो क्या आएगा, साइन का रेशियो 1 / 2 आएगा। अगर 45 होगा तो साइन का रेशियो क्या आएगा, 1 / रूट 2 आएगा। वैसे ही अगर 60 होगा सो साइन का रेशियो क्या होगा, रूट 3 / 2 आएगा। अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो मतलब क्या होगा, अगर 90 डिग्री, समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे वो भी 90 डिग्री है, तो मतलब हाइपोटेन्यूस का साइज जितना होगा परपेंडिकुलर का साइज भी उतना ही होगा। तो उसमें क्या, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस इक्वल हो जाएगा, तो मतलब उसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देन हम देखेंगे कि कॉस में, कॉस का रेशियो क्या होगा 0 में, सो कॉस का रेशियो क्या होगा, 1 होगा। मतलब वहां पर क्या है, कॉस का रेशियो 1 आ जाएगा। अगर 30 होगा तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, रूट 3 / 2 आएगा। अगर थीटा का वैल्यू 45 होगा सो वो आएगा 1 / रूट 2। अगर 60 होगा सो वो आएगा 1 / 2। और 90 होगा तो उसका वैल्यू आ जाएगा 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो हमको सिर्फ क्या, साइन और कॉस का वैल्यू याद रखना है, बाकी सबका ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। कैसे? जैसे कि मैंने बोला था 10 का रेशियो क्या होगा, किसके साथ इक्वल हो रहा है, साइन / कॉस का रेशियो का, साइन और कॉस का रेशियो के साथ इक्वल हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इसका मतलब क्या होगा, 10 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 से कॉस 0 का रेशियो, मतलब 0 / 1 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो ट्रिग्नोमेट्री में वैसे ही होगा, अगर थीटा का वैल्यू साइन 10 में 0 होगा तो 10 का रेशियो क्या होगा, आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमको, हम याद रखेंगे तो सिर्फ ये दोनों का याद रखेंगे, बाकी सब उसको रिलेट करके हम निकल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो 10 0 का वैल्यू 0 होगा, 10 30 का वैल्यू, उसको साइन 30 / कॉस 30 करने से क्या आएगा, 1 / रूट 3। और 45 का वैल्यू 1 / रूट 2 से 1 / रूट 2 का डिवाइड करने से क्या आएगा, 1 आएगा। और 60 का वैल्यू रूट 3। और ये देख रहे हैं, अगर थीटा का वैल्यू 90 होगा तो 10 का वैल्यू क्या होगा, कि 10 का वैल्यू साइन 90 / कॉस 90, जैसे कि 1 डिवाइडेड / 0। तो हमको मालूम है समथिंग डिवाइडेड / 0 इक्वल्स टू इनफाइनाइट, और हम इसको क्या बोल रहे हैं, अनडिफाइंड, मतलब उसका वैल्यू हम निकल नहीं सकते हैं। सो 1090 का वैल्यू क्या आएगा, 1090 का वैल्यू आएगा अनडिफाइंड, और उसको हम इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? सो उसी की तरह
कॉट का भी रेशियो कैसे आएगा, कॉट जीरो का वैल्यू कॉस जीरो डिवाइडेड बाय साइन जीरो, वो भी क्या होगा वन डिवाइडेड बाय जीरो, मतलब वो जो इनफाइनाइट है वो आ जाएगा अनडिफाइंड। वैसे कॉस थर्टी का वैल्यू क्या होगा रूट थ्री बाई टू से वन बाई टू, मतलब वाई का रूट थ्री, और वो भी 45 का वैल्यू वन बाई रूट टू से डिवाइड करने से वन बाई रूट टू वन आएगा। वैसे ही cos 60 का वैल्यू 1 बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई रूट थ्री बाई टू वो आएगा 1 बाई रूट थ्री, और 90 का वैल्यू क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाई वन इक्व टू जीरो। समझ में आ रहा है? तो वैसे sec का वैल्यू क्या आएगा, sec मैंने बोला था sec क्या है cos का रेसिप्रोकल है, मतलब वो 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1। 30 का वैल्यू रूट थ्री बाई टू का रेसिप्रोकल 2 बाई रूट थ्री, और 1 बाई रूट टू का रेसिप्रोकल रूट टू, एंड देन 60 का वैल्यू 1 बाई टू का रेसिप्रोकल 2, एंड 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब 0 डिनोमिनेटर पार्ट में आ गया तो उसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो वैसे कोसे का साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसे का वैल्यू, कोसे का रेशियो क्या होगा साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो 0 का रेसिप्रोकल वो भी आएगा अनडिफाइंड और इनफाइनाइट, 1 बाई टू का रेशियो सॉरी 1 बाई टू का रेसिप्रोकल 2, 1 बाई रूट टू का रेसिप्रोकल रूट टू, एंड रूट थ्री बाई टू का 2 बाई रूट थ्री, और 90 का रेसिप्रोकल 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 ही होता है। समझ में आ रहा है? सो हम साइन और कोस को याद करके वो सारे का वैल्यू निकल सकते हैं, जैसे कि वो सब 0 से 90 डिग्री का वैल्यू हमको मालूम हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर थीटा का वैल्यू हमेशा 90 से नीचे ही होगा, तो हमको हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्यूट एंगल होगा, अगर उससे भी ज़्यादा होगा 90 से, सो वो हम पढ़ेंगे क्या, वो कार्टेशियन प्लेन को प्लेन में हम देखेंगे। कार्टेशियन प्लेन क्या, जो कि हम एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं, जो कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे कार्टेशियन प्लेन क्या है, तो उसको लेकर हम उसमें डिफाइन कर देंगे। अगर थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा होगा तो उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसका हम कैसे निकालेंगे तो देख रहे हैं अब। सो हम देख रहे हैं कार्टेशियन प्लेन, मतलब जो कि एक्स प्लेन और वाई प्लेन है, बोथ द एक्सेस आर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आर, एंड वाई एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि अगर दो प्लेन एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे तो उसको वो जो प्लेन निकलेगा वो प्लेन को क्या हम बोलेंगे, वो उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे या फिर एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। तो ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसके बारे में मैंने बता दिया था, तो देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब वहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और वो होगा 90 डिग्री। पहले हम देखेंगे कि तो वो अगर वो वहाँ से शुरू हुआ तो मतलब अगर ये बेस होगा तो उसका एंगल क्या होगा 0 डिग्री, मतलब ये होगा हमारे लिए इनिशियल साइड। अगर वो रेज होकर कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर आएगा, मतलब वो कितना एंगल फॉर्मेशन किया है 90 डिग्री, तो मतलब वो 0 से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है 90 डिग्री तक, मतलब वहाँ से एंगल क्या होगा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वहाँ से अगर 90 से जाकर वहाँ से फिर से यहाँ पर आएगा तो उसका एंगल क्या होगा 180, मतलब 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, तो 90 प्लस 90 इक्व टू 180 डिग्री, और देन वहाँ से आएगा तो वो आएगा 270 डिग्री, फिर से 270 से यहाँ पर आ जाएगा तो 360 डिग्री। मतलब ये हमको ये समझ दे रहा है कि तो अगर 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल आएगा तो वो कहाँ से बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। अगर 90 से ज़्यादा 180 से बीच में आएगा तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देन 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, और 270 से 360 फिर से क्या होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो ये देख रहे हैं, तो ये 90 डिग्री अगर हो गया तो ये अगर ये 90 डिग्री हुआ तो ये हमारे लिए बेस हो गया और ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर हाइपोटेन्यूस भी निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूस का क्या, हाइपोटेन्यूस भी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि
अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरियस रूल एच इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइट का वैल्यू हमेशा के लिए पॉजिटिव में भी आएगा, तो हाइपोटेन्यूस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, सिर्फ अगर बेस या फिर परपेंडिकुलर ही पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा, मगर हाइपोटेन्यूस कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूस भी पॉजिटिव है। तो मतलब यहाँ पर जो भी हम एंगल लेंगे तो सारे के सारे एंगल क्या हो जाएगा, सारे के सारे एंगल का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। देख रहे हैं हमारे यहाँ पे कोई वैल्यू सब जीरो से लेकर 90 तक में है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जीरो से लेकर 90 तक में है। तो यहाँ पे कौन सा रेशियो नेगेटिव में आया है, किसी का भी रेशियो नेगेटिव में नहीं आया, सब रेशियो पॉजिटिव में ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल आर पॉजिटिव। देन देखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं ये हो गया, ये हमारा क्या, ये हमारे लिए ओरिजिन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर इंटरसेप्ट करते हैं वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो अगर ओरिजिन से हम लेफ्ट में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ओरिजिन से ऊपर जाएगा तो हमको पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस हो गया नेगेटिव, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर बेस हो गया नेगेटिव एंड परपेंडिकुलर पर पॉजिटिव है, तो हाइपोटेन्यूस हमेशा के लिए पॉजिटिव है, सो देख रहे हैं कि जहाँ पर हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव है और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, मतलब अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को लेकर जो भी रेशियो होगा वो दोनों पॉजिटिव होगा, मतलब कौन सा है, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर को लेकर, कोसेक और साइन, साइन का रेशियो क्या है, पी बाई एच है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, और कोसेक का रेशियो एच बाई पी है, मतलब वो दोनों सिर्फ पॉजिटिव है। सो यहाँ पर सिर्फ साइन या फिर कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, बाकी सबका सब नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बेस है, बेस नेगेटिव है। जैसे कि कोस का रेशियो क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस अगर नेगेटिव हो गया तो उसका रेशियो भी नेगेटिव में आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। सो हम देख रहे हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन या फिर कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे का वैल्यू नेगेटिव में आएगा। देन हम जंप करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट को, थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहे हैं कि यहाँ पर बेस भी नेगेटिव है और ये जो परपेंडिकुलर है वो भी नेगेटिव है, समझ में आ रहा है कि नहीं। सो हाइपोटेन्यूस ऑलवेज पॉजिटिव, सो उसको उन दोनों में क्या होगा, बेस भी नेगेटिव हुआ, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव हुआ, मतलब अगर वो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे वो पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे का रेशियो क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेन्यूस हो या फिर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस हो, उन दोनों में एक एक नेगेटिव रह गया, तो मतलब उसका मतलब है अगर बेस के साथ परपेंडिकुलर का रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो पॉजिटिव में आएगा। तो वो दोनों को लिंक करके कौन सा फंक्शन है, टेन और कॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं। सो टेन का रेशियो होगा पी बाई बी एंड कॉट का रेशियो बी बाई पी, तो मतलब हम यहाँ पे दिख रहे हैं कि टेन या फिर कॉट का रेशियो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव आएगा, कौन पे 180 के से 270 के बीच में कोई भी एंगल होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, टेन और कॉट का पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हो जाएगा। देन हम देखेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे अगर ये थीटा होगा तो थीटा का क्या, ऑपोजिट साइड भी नेगेटिव है मगर बेस जो है वो बेस क्या है, बेस है परपेंडिकुलर, समझ में आ रही है, सॉरी बेस क्या, परपेंडिकुलर बोल दिया, बेस है पॉजिटिव, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बेस पॉजिटिव हुआ, परपेंडिकुलर नेगेटिव हुआ, तो हाइपोटेन्यूस भी पॉजिटिव है, तो इसको देख के तो यहाँ पर क्या, कौन कौन पॉजिटिव है, बेस पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव है, तो उन दोनों का रेशियो पॉजिटिव में आएगा, मतलब वो दोनों का किसको लिंक करते हैं, सेक या फिर कोसेक को, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब है क्वाड्रेंट फोर में, मतलब 270 से 360 के बीच में कोई भी एंगल आएगा तो किसको, वो सेक, वहां पर सेक और कॉस का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे रेशियो नेगेटिव में आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये देख रहे हैं हम ये इसका वैल्यू का साइन क्या क्या होगा, ये हमको मालूम हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये एक पार्ट हो गया जो कि हम वैल्यू
सो उसके बाद हम उसका रेशियो कैसे निकालेंगे, वो तो हम साइन दिख रहे हैं, तो उसके बाद हम उसका रेशियो कैसे निकालेंगे, तो हम दिख रहे हैं अगर 90 से ज़्यादा कोई भी एंगल होगा, मतलब ये जो देख रहे हैं 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, या फिर 180 माइनस थीटा वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में, वैसे 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा वो भी कहाँ पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, वैसे ही तरह 270 बाय प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। तो उसको देखकर हम एक और एक उसमें जानेंगे कि थीटा का वैल्यू जो वैल्यू होगा वो रेशियो का क्या होगा, जो कि रेशियो के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ देखेंगे अगर 90 माइनस थीटा या फिर 90 प्लस थीटा, एक और एक आ गया 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, समझ में आ रहा है कि नहीं, और 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा एटसेट्रा। सो ये जो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 90, 180, 270, ये जो है आगे 360, ये जो हम वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये वो जो 90, 180 और जो 270 उसको वैल्यू जो हम दिखेंगे, अगर कोई भी वैल्यू जो वो जो हो गया लेफ्ट साइड में जो है, राइट साइड में क्या थीटा का वैल्यू माइनस होगा या फिर प्लस होगा, जो ये जो लेफ्ट साइड में जो है 90 का वैल्यू, अगर वो 90 का इवन मल्टीपल होगा या फिर ऑड मल्टीपल होगा, जैसे कि 90 है, 90 का क्या ऑड मल्टीपल है, और 180 और 360 90 का इवन मल्टीपल है, समझ में आ रहा है कि नहीं। सो अगर थीटा का वैल्यू, थीटा बोल रहे हैं कि अगर 90 जो वो जो लेफ्ट साइड में है 90 का इवन मल्टीपल होगा, जैसे कि हम हमेशा के लिए देख रहे हैं कि हम हमेशा क्या करते हैं कि वो जो इवन वैल्यू को हम 2n के जरिए हम लिख रहे हैं, जहाँ पर n बिलोंग करता है रियल नंबर से, समझ में आ रहा है कि नहीं, रियल नंबर से, और यहाँ पर आएगा नेचुरल नंबर, समझ में आ रहा है कि नहीं, नेचुरल नंबर। सो अगर 90 का इवन मल्टीपल होगा तो सारे के सारे फंक्शंस का कोई भी चेंज नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, सारे के सारे फंक्शंस नो चेंजेस, मतलब 90 का इवन मल्टीपल होगा, मतलब 180 के केस में या फिर 360 के केस में वो चेंज कभी भी नहीं होगा। अगर ऑड मल्टीपल हो गया, तो अगर 90 का ऑड मल्टीपल हो गया तो देर विल बी चेंजेस। तो क्या चेंजेस होगा कि सारे फंक्शन उसके को फंक्शन के फंक्शन से चेंज हो जाएंगे, जैसे कि साइन का को फंक्शन क्या है, कॉस, मतलब अगर कोसिन में साइन होगा तो वो कहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, वो फंक्शन आंसर में कॉस से आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर कॉस में होगा तो उसको कॉस का को फंक्शन क्या है, साइन, सो वो साइन में आएगा, समझ में आ रहा है। वैसे ही अगर टेन में होगा तो टेन का को फंक्शन कोट में आएगा, अगर कोसिन कोट में दिया होगा तो उसका वैल्यू टेन में आएगा, वैसे तरह अगर सेक में दिया होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, कोसेक में आएगा, या फिर कोसेक में दिया होगा तो उसका वैल्यू सेक में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे कि ये होगा अगर कोसिन दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो पहले देखेंगे इसका साइन क्या होगा, 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल आर पॉजिटिव, सो साइन का वैल्यू पहले क्या होगा, साइन हो गया पॉजिटिव आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, साइन का वैल्यू पहले पॉजिटिव में आएगा। सो देख रहे हैं वो जो 90 है, 90 क्या है, इवन ऑड मल्टीपल है या कि नहीं, 90 क्या है, 90 का ऑड मल्टीपल है, तो मतलब अगर ऑड मल्टीपल होगा तो उसके उसमें चेंजेस आएगा क्या, अगर साइन में दिया होगा तो उसका वैल्यू कहाँ से आएगा, कॉस में आएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस कॉस थीटा, समझ में आ रहा है। सिमिलरली और एक एग्जांपल दिया होगा, साइन 360 माइनस थीटा, सो पहले देख रहे हैं कि 360 माइनस थीटा क्या है,
कहाँ से कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है तो वहाँ पर सिर्फ कॉस या सेक पॉजिटिव है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो पहले उसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे जो ये जो 360 है ये क्या है, 90 का क्या है, ये 90 का इवन मल्टीपल, मतलब अगर इवन मल्टीपल होगा तो वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, मतलब साइन का वैल्यू साइन नहीं आएगा, साइन थीटा मतलब साइन 360 माइनस थीटा का वैल्यू जो होगा माइनस साइन थीटा का वैल्यू वही होगा, समझ में आ रहा है। वैसे और एक एग्जांपल दूं तो टेन 180 प्लस थीटा क्या होगा, और टेन 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा आप मुझे बोल सकते हो, तो एक वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो, तो एक सेकंड मैं लूँगा, तो आपका वीडियो आपका आंसर देखो और मेरा आंसर देखो। तो यहाँ ये पहले क्या हुआ, पहले हम इसका साइन देखेंगे कि 180 प्लस थीटा मतलब 180 प्लस मतलब वो हो गया थर्ड क्वाड्रेंट से, समझ में आ रहा है कि नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है तो मतलब वहाँ पर भी वैल्यू पॉजिटिव हो गया। सो अगर देखेंगे तो 180 क्या है, 90 का इवन मल्टीपल, 92 जा 180, सो 90 का इवन मल्टीपल हुआ तो वहाँ पर नो चेंजेस, मतलब 10 का वैल्यू 10 में ही आएगा, 10 थीटा। अगर 180 माइनस थीटा होगा तो 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन कोसेक पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव है उस दोनों को छोड़ के, तो मतलब वहाँ पर क्या होगा, 10 का वैल्यू माइनस में आएगा और 180 इवन मल्टीपल है सो 10 का वैल्यू 10 में ही आएगा। वैसे तरह अगर जैसे कि हम 270 में देखेंगे तो 270 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा, तो मतलब साइन का डिफरेंस देखेंगे, अब 270 आ गया तो 270 क्या है, 90 का ऑड मल्टीपल है, मतलब 93 जा 270 तो 3 एक ऑड नंबर है, सो 270 90 मल्टीपल हो गया तो वहाँ पर जो भी फंक्शन आएगा अगर वो प्लस हुआ या फिर माइनस हो, जो भी हो, जो भी फंक्शन दिया होगा, अगर साइन में दिया होगा तो वो कॉस में आएगा, कॉस में दिया होगा तो साइन में आएगा, 10 में दिया होगा तो कॉट में आएगा, कॉट में दिया होगा तो साइन में आएगा। आई होप तुम ये सब समझ रहे हो ठीक अच्छी तरह से। तो उसके बाद हम देखेंगे, हम अगर एंगल के बीच में माइनस होगा तो वो हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा कॉस माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ऐसे ही सारे 10 का ये सब दिख रहे हैं। तो ये जो माइनस थीटा है हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे तरह भी लिख सकते हैं जैसे कि साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 0 डिग्री माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का रेशियो क्या होगा, तो 0 क्या है, इवन मल्टीपल है, मतलब 0 भी एक भी 90 का इवन मल्टीपल है, क्योंकि 0 या ऑड में कभी भी नहीं जाएगा, इवन में ही जाएगा, तो 90 मतलब 90 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, सो साइन का वैल्यू साइन में ही आएगा। तो माइनस मतलब वो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, साइन का वैल्यू क्या होगा, माइनस साइन थीटा, मतलब सारे के सारे जो भी जहाँ पर भी एंगल में माइनस होगा सिर्फ कॉस या सेक को छोड़ के, क्योंकि 0 माइनस मतलब जो फोर्थ क्वार्टर में सिर्फ कॉस और सेक है पॉजिटिव, मतलब वहाँ पर अगर कॉस थी कॉस के एंगल में माइनस होगा सो वो माइनस रखने से लिखे या फिर ना लिखे वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि कॉस माइनस थीटा उसको हम कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर सेक माइनस थीटा उसको हम सेक थीटा भी लिख सकते हैं, वहाँ पर माइनस है हो या ना हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सारे के सारे जो है कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सारे के सारे एंगल के बीच एंगल में अगर माइनस हो तो वो क्या होगा, वो सामने आ जाएगा, जैसे कि साइन माइनस थीटा वो होगा माइनस साइन थीटा, वैसे ही टेन ऑफ माइनस थीटा वो हो जाएगा माइनस ऑफ टेन थीटा, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया कुछ सारे बेसिक्स, तो आज ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक्स हम देख रहे हैं, तो आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड टुडेज क्लास।
इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शंस. थैंक यू स्टूडेंट्स.